हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस सीरीज़ में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के शो में। आज हम देखेंगे 27 नवंबर 2019 के क्वेश्चन, जो कि टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर को, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं, तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन 1949 में संविधान को अपनाया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 में जो है संविधान को अपनाया गया था, और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया था। और परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं, तो भारत सरकार द्वारा 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2015 से जो है ये संविधान दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का दूसरा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की किन किन केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना है। केंद्र सरकार की किन किन केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना है। पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप, चंडीगढ़ व दिल्ली, दादर और नगर हवेली व दमन और दीव, और पांडिचेरी लक्षद्वीप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को जो है एक केंद्र शासित प्रदेश, इनको जो है केंद्र शासित प्रदेश एक ही बनाया जाएगा इनको मिलाकर। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादर और नगर हवेली व दमन और दीव को मिलाकर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाने की योजना है। दो केंद्र शासित प्रदेशों दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, और इसको लेकर विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के विलय से बेहतर प्रशासन मिल सकेगा और विभिन्न कार्यों का दोहराव रोका जा सकेगा। परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं, तो दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा तथा दमन एवं दीव की राजधानी है दमन। दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा, दमन एवं दीव की राजधानी है दमन। ये चीज़ें आप जरूर याद रखें। तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है। विश्व समृद्धि सूचकांक के 113 शहरों की रैंकिंग में भारत के कौन से शहर शामिल है। विश्व समृद्धि सूचकांक के 113 शहरों की रैंकिंग में भारत के कौन से शहर शामिल है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, इन उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु विश्व समृद्धि सूचकांक के 113 शहरों की रैंकिंग में भारत के ये तीनों शहर शामिल हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं, तो विश्व समृद्ध सूचकांक के 113 शहरों की रैंकिंग में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु शामिल हुआ। आर्थिक एवं सामाजिक समावेशिता के मामले में विश्व के शीर्ष 113 देशों में बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई का नाम भी शामिल है। इस सूची में बेंगलुरु जो है 83वां नंबर पे है, दिल्ली 101वां नंबर पे है और मुंबई जो है 107 नंबर पे है। बेंगलुरु 83 नंबर पे, दिल्ली 101 नंबर पे और मुंबई 107 नंबर पे है। इस सूची में ज्यूरिक पहले स्थान पर है और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना दूसरे नंबर पे, और डेनमार्क का कोपेनहेगन जो है तीसरे स्थान पर रहा। पहले स्थान पे है ज्यूरिख। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का चौथा क्वेश्चन है। नोमुरा के फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, नोमुरा के फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स NFVI में भारत किस स्थान पर है? पहला ऑप्शन है 88 नंबर पे, 66 नंबर पे, 44 नंबर पे और 22 नंबर पे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 44वें स्थान पर है नोमुरा के फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में, जो है भारत 44वें स्थान पर है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में भारत जो है 44वें स्थान पर है। नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नोमुरा के फूड वल्नरेबिलिटी इंडेक्स NFVI में भारत 110 देशों में से 44वें स्थान पर है और NFVI खाद कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव की दिशा के आधार पर देशों को रैंकिंग करता है और 4.6% पर अक्टूबर 2019 के लिए भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति खाद्य कीमतों में उछाल के कारण 16 महीनों के उच्च स्तर को छू गई है। तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का पांचवा क्वेश्चन है। किस कंपनी ने K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को भारत के स्कूलों में बड़े पैमाने पर रोल आउट किया है? पहला ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को भारत के स्कूलों में बड़े पैमाने पर रोल आउट किया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने K-12 कार्यक्रम को समूचे भारत में किया रोल आउट। माइक्रोसॉफ्ट ने गुड़गांव में अपने एजुकेशन डेज के दूसरे संस्करण के तहत K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को देश भर के स्कूलों में बड़े पैमाने पर रोल आउट किया है। माइक्रोसॉफ्ट K-12 एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क स्कूलों के व्यापक डिजिटल रूपांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए समग्र ढांचा प्रदान करता है। तो यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का छठवां क्वेश्चन है। भारत के मानचित्र में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में किसे शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयपुर, अमरावती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अमरावती राइट आंसर होगा। अमरावती जो है भारत के मानचित्र में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती को शामिल किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं तो अमरावती भारत के मानचित्र में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में शामिल हुआ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बताने वाले भारत के नवीनतम मानचित्र को जारी किया है। आंध्र प्रदेश का विभाजन 2014 में किया गया था और तभी तय किया गया था कि हैदराबाद शहर 10 साल की अवधि के लिए दोनों राज्यों की प्रशासनिक राजधानी के रूप में काम करेगा। परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और अमरावती। मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंदन। मुख्यमंत्री है जगमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंदन। यह है इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का सातवां क्वेश्चन है। किस राज्य के पूर्व CM कैलाश जोशी का निधन हो गया है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पश्चिम बंगाल के हैं पूर्व CM कैलाश जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब इसकी रिडल्स की बात करते हैं तो डिटेल्स है कि मध्य प्रदेश के, ये आपके मध्य प्रदेश के हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ये यहाँ पे आपका आंसर गलत है, सी होगा आपका। मध्य प्रदेश के पूर्व CM है कैलाश जोशी, जिनका निधन हुआ है, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी का निधन हो गया है। राजनीति का संत कहे जाने वाले जोशी ने 1977 से 1978 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था और वह जो है मध्य प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। परीक्षा की दृष्टि से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री है कमलनाथ, राज्यपाल है लालजी टंडन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है इसे सही कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर सी ऑप्शन होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आज का आठवां क्वेश्चन है। किन्हें एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? पहला ऑप्शन है एलियुडो किपचोगे, दालिलाह मोहम्मद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी है ए और बी दोनों, यानी कि एलियूड किपचोगे तथा दालिलाह मोहम्मद को एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं, तो एलियूड किपचोगे और दालिलाह मोहम्मद को चुना गया एथलीट ऑफ द ईयर। 2 घंटे से कम में मैराथन पूरी करने वाले एलियूड किपचोगे और 400 मीटर बाधा दौड़ विश्व चैंपियन दालिलाह मोहम्मद ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार जीता है। किपचोगे ने पिछले महीने में उन्होंने 42.195 किलोमीटर की दूरी 1:59:40.2 सेकेंड में तय करके इतिहास रचा था। और अमेरिका की दालिलाह ने अमेरिकी ट्रायल्स में 52.20 सेकेंड समय के 2003 से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो ये था इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का 9 नंबर क्वेश्चन है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्कॉटिश ओपन बैडमिंटन का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता है? पहला ऑप्शन है लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, सौरभ वर्मा, चेतन आनंद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लक्ष्य सेन ने जो है, लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने स्कॉटिश ओपन बैडमिंटन का पुरस्कार सिंगल खिताब जीता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसकी रिडल्स है कि लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन बैडमिंटन का पुरुष सिंगल्स खिताब जीता। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन ने स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ग्लासगो में लक्ष्य सेन ने ब्राजील के गुर कोल्हो को हराया और पिछले 3 महीनों में लक्ष्य का यह चौथा खिताब था। यह इस प्रश्न का डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आज का 10वां क्वेश्चन है, यह आपका अंतिम क्वेश्चन भी होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने देश के लिए 6ठा डेविस कप खिताब जीता है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, एंडी मुरे और राफेल नडाल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने अपने देश के लिए 6ठा डेविस कप खिताब जीता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब इसके रिडल्स की बात करते हैं, तो राफेल नडाल ने जीता डेविस कप खिताब। टेनिस में स्पेन के राफेल नडाल ने अपने देश के लिए 6ठा डेविस कप खिताब जीत लिया है। और नडाल ने मैड्रिड में कनाडा के डेनिस सापोवालोव को हराया है। राफेल नडाल ने कनाडा के डेनिस सापोवालोव को हराया है। और राफेल नडाल खुद जो है कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। तो ये है इस प्रश्न का डिटेल्स। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर भी करें। और जो भी आपको सुझाव देना है, आप कमेंट के माध्यम से हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।